जिस तरह से देखा जाए गर्मी इतनी बढ़ रही है कि हर कोई परेशान रहता है, सबसे ज़्यादा परेशान पक्षी रहते हैं। आज हम टीकमगढ़ जिले के मिथिला खीरा गांव में खड़े हुए हैं। यहां के माध्यमिक शाला के शिक्षक संजय जैन द्वारा पक्षियों की दाने पानी की व्यवस्था कराई गई है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि मिट्टी के सकोरों में पानी भरकर पूरे गाँव के पेड़ों पर टंगवा दिए हैं, जिससे पक्षी आएँ और पानी पिए, जिससे अपना जीवन बचा सकें। आप लोगों ने लगाए हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। किस तरह का अच्छा लग रहा है? क्या सुविधा हो सकती है इससे? इससे प्यास बुझ सकती है। अन्य शहरों में भी, गांव में, यहाँ तक बड़े बड़े नगरों में तापमान ज़्यादा हो रहा है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण अनेक प्रकार के पशु जीव पक्षियाँ पशु पक्षी हैं, उनके लिए पानी पीने की जो सुविधा है वो नहीं हो पाती है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर कहीं छोटे मोटे जगह पर भी पानी भरा रहता है तो वो खाली हो जाता है इतना तापमान। तो हमें सर ने इलाके दिए, बोले कि अपने घर के सामने टांगो इसको, तो हमने इसको अपने घर के सामने टांगा है। और दिन में हम इसको पानी भी डालते हैं, इससे पशु पक्षियों को जो पानी नहीं मिलता कहीं पे, तो आके यहाँ पे पी जाते हैं। और यहाँ पे हमने इतना भी डिस्कस करा है कि हमने सुबह से पानी डाल दिया तो शाम तक पानी पूरा खाली हो जाता है। ये हमें ना बहुत सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, क्योंकि इससे ना और सबकी प्यास बुझती है। और ये तो अक्सर देखते ही हैं कि ज़्यादा पानी का भी कमीशन हो जाती है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतना अच्छा कार्य किया। गर्मी का जो तापमान बढ़ रहा है वो लगभग 42 डिग्री के ऊपर जा रहा है। ऐसे में जो हमारे नपचर जीव जंतु हैं वो प्यास के मारे तड़फड़ा रहे हैं, तो हमने उन्हें तड़पते देखा तो हमारे मन में विचार आया कि हमें तो पानी जहाँ कहीं भी मिल जाता है, लेकिन पक्षियों को पानी कहाँ से मिलेगा। तो निश्चित ही ये हमारे मन में विचार आया कि इन पक्षियों के लिए सकोरे टांगे जाएँ, और वो भी अकेले से सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखे जाएँ, उनको पूरे गाँव में के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर टांगा जाए, और उन सकोरों की जिम्मेदारी उन बच्चों के अभिभावकों को दी जाए कि सुबह शाम इसमें पानी भरिए। और निश्चित ही है हमने अभी तक गांव में संपर्क किया और गांव में पेड़ पौधों पर सकोरे टांगे हैं, गांव वालों को भेंट किए हैं। अब आगे 200 सकोरे टांगने का हमारा लक्ष्य है और निश्चित ही हम जल्दी इसको पा लेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।